हिमाचल प्रदेश में अभी दो दिन और मौसम खराब रहेगा, जिसको लेकर मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के बाद तापमान में भी कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, मंडी, शिमला, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने प्रदेश से 20 से 25 सितंबर तक मानसून के विदा होने की उम्मीद जताई है। हिमाचल प्रदेश में सितंबर के अंत तक मानसून रुखसत होने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश का अलर्ट भी है, जिससे पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में बारिश हो रही है। प्रदेश में बारिश होने से कई जगह पर भूस्खलन की घटनाएं भी पेश आई है। हालांकि इन घटनाओं से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि प्रदेश में अगले 48 घंटों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। मानसून अभी अगले 48 घंटे अभी कंटिन्यू करेगा और बारिश जैसे हिमाचल प्रदेश में हो रही है कंटिन्यू करेगी, और उसके बाद फिर 12 तारीख के बाद मानसून में कुछ कमी आ जाएगी, बारिशें कम हो जाएगी। लेकिन अभी 48 घंटे जो है प्रदेश के कुछ जिलों में हैवी रेनफॉल भी हो सकता है, अब येलो अलर्ट भी दिया हुआ है। और इसके साथ साथ में जो कई बार जैसे पहाड़ी जिलों में फॉग आ जाता है, उससे विजिबिलिटी कम होती है, तो जो जनता है या कम्यूट करने वाले लोग हैं या टूरिस्ट हैं उनको दिक्कतें आती हैं, तो उसका हमें ध्यान रखना है। और लैंडस्लाइड होने की संभावना भी है। हाँ सर, अगर सर बात करें बारिश की, तो पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष पिछले साल से मानसून बेहतर है, और सिर्फ चंबा और लाहौल स्पीति जिले हैं जहाँ पर बारिश कम है, सामान्य से डिफिशियंट है। बाकी जिलों में लगभग सामान्य के आसपास है या थोड़ी सी कम है, लेकिन ओवरऑल मानसून पिछले साल से अच्छा। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में इस बार मानसून में सामान्य बारिश हुई है। विभाग का कहना है कि इस बार जुलाई माह के मुकाबले अगस्त में मानसून की बारिश कम हुई। कुल मिलाकर इस बार मानसून में सामान्य बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में 20 से 25 सितंबर तक मानसून के विदा होने की उम्मीद है। प्रदेश में बारिश होने से तापमान में भी कमी आई है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीड टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाए, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा, सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए, स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org। We'll be right back.
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।